हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और पावर बीआई में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग के बारे में। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट कुछ क्लासेस में कि कैसे डेटा को कनेक्ट करेंगे और डेटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब डेटा कैलकुलेट के बाद अगला जो ऑप्शन आता है कि भाई डेटा कैलकुलेट होने के बाद हम उस पर रिपोर्ट्स कैसे बनाएं, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जस्ट मैंने कुछ क्लासेस ही बताई थी, कुछ एक क्लासेस में ही बताया था। तो चलिए थोड़ा सा उसको डिटेल में हम सीखते हैं, राइट। तो डेटा को हम लेते हैं, और यहां से हम डेटा को कनेक्ट करते हैं एंड इसको लोड करते हैं। ठीक है, डेटा हमारा लोड हो गया। अब डेटा लोड से होते हुए सबसे पहले जानिए अपने डेटा के कॉलम के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जिसमें आपका कई सारे टेबल्स आते हैं, तो इस तरह से टेबल को कोलैप्स एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद टेबल में जो डेटा है आपका, उसमें डेटा तीन तरह का होता है, डेट, टेक्स्ट एंड नंबर। तो डेट के आगे आपका इस तरह से कैलेंडर लगा होगा, अगर कैलेंडर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका डेट जो है डेट फॉर्मेट में। अगर आपको नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था कि आप डेटा में जाके आप अपने डेट की फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं मोल्डिंग में जाके, राइट सर। उसके अलावा जिस पे आपका ये सम ऑफ साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर्स है, मतलब इस पे कैलकुलेशन होगा। सिंपल से बात समझ जाइए, जिसमें सम ऑफ का लगा हुआ है वो कैलकुलेशन होगा, और जिसमें सम ऑफ का साइन नहीं लगा हुआ है वो आपका टेक्स्ट है, राइट। अब सबसे पहले आपको चूज करना है यहां से अपनी विजुलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि चूज करना, आप बिना चूज किए भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही अपने आप यहां पे डेटा शो कर देगा। अगर आप विजुलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी विजुलाइजेशन को शो करेगा, डेटा को शो नहीं करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने यहां पे डेटा को या क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लिया, तो क्वांटिटी के ऊपर बन गया। लेकिन अभी हमने गलती क्या की, हमने गलती ये की कि हमने विजुलाइजेशन को क्लिक करके किया तो ये अलग अलग हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई फील्ड को किसी एक आपको टेबल में एक फॉर्मेट में ऐड करनी है तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप अपनी के बाद इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। जैसे इमेज को आप रिसाइज करते हैं, ऐसे इसको भी रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका डेटा टेक्स्ट में है तो इसके ऊपर रिसाइज का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। लेकिन आप बड़ा देखना चाहते हैं तो फोकस मोड पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा आपको सामने दिख जाएगा, फिर बैक टू रिपोर्ट आएंगे तो इस तरह से आ जाता है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इसको भी अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं विजुलाइजेशन में। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि मुझे नेम वाइज प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखनी है, जैसे पिवट टेबल में देखते हैं, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां इस तरह से प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तरीका तो आपका गलत हो गया, क्योंकि इस तरह से देखने में तो काफी दिक्कत होगी। तो यहां पे देखिए टेबल फॉर्मेट के दो फॉर्मेट है, पहला टेबल फॉर्मेट और दूसरा है हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपका इस तरह से रो एंड कॉलम वाइज डेटा बन जाएगा और अपने आप टोटल वगैरह सब लग जाएगा। तो याद रखिएगा, आप टेबल फॉर्मेट में करते हैं तो जस्ट टेबल आएगा, और मैट्रिक्स में बन जाते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में एक समरी बन के आपके सामने दिख जाएगा। तो टेबल फॉर्मेट एंड मैट्रिक्स फॉर्मेट, समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरी चीज ये है कि मुझे यहां पे क्वांटिटी का टोटल नहीं चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए मतलब कि प्रोडक्ट आईडी का या सेल्स आईडी का
काउंट चाहिए, मुझे देखना चाहता हूं कि नंबर ऑफ कितने ऑर्डर जनरेट हुए। तो आप जो है, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं और फिर सेल्स आईडी को मैं यहां इजीली ड्रॉप कर सकता हूं, बट ये सेल्स आईडी जो है काउंट नहीं हुआ, सम हो गया। अब जैसे कि डेटा हम देखेंगे तो सेल्स आईडी आपका 82 है और 10 है, तो दोनों का ऐड करके 12 दिखा देगा, जो कि गलत है। हमें इसको दो ही दिखना चाहिए क्योंकि हमें काउंट चाहिए। तो उस केस में यहां इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसने काउंट ले लिया है, बट काउंट नहीं लिया तो यहां से अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड की कैलकुलेशन यहां पे है कि आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशंस, वेरियंस, मीडियम, ये चीज आप लगा सकते हैं। या कोई न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप अपने फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे की चीजें पे बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमने यहां पे एसआईडी नहीं, मैं यहां पे नेम रखना चाहता हूं, तो मैं अगर इसको यहां से कट कर दूं और नेम को भी मैं यहां पे रख सकता हूं, ठीक है। बट नेम रखने पे यहां नेम आ गया, तो यहां वैल्यू पे जाएं और यहां पे फर्स्ट लास्ट की जगह पे आप काउंट को सिलेक्ट कर लें। तो इस चीज का ध्यान इस तरह से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह से होते हैं, या फील्ड को रिनेम करना है, रिमूव करना है रो एंड कॉलम में, या कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि इसकी फॉन्ट जो कलर है या डेटा बार है वो अलग हो जाए, तो फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंट ऑफ नेम काउंट, और यहाँ पे कंडीशन कि डॉन फॉर्मेट एज ए जीरो स्पेसिफिक कलर, ये दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको हम आगे क्लासेस बताएंगे, लेकिन अभी भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ओके। उसके बाद देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो तीन चीजें आती है। पहला आता है आपका फील्ड, कि आपको फील्ड को रो एंड कॉलम एंड कैलकुलेशन में आपने रखा हुआ है। अब ड्रिल थ्रू क्या होता है, ड्रिल थ्रू हम आपको बताएंगे जब हम यूज करेंगे डेट। एक मिनट में यहां पे डेट को लेता हूं, और डेट पे हमने यहां पे मान लीजिए क्वांटिटी का टोटल दे दिया, तो ये रिपोर्ट हमारा बन गया। मैं यहां पे इस रिपोर्ट को ले लेता हूं, इसको रिपोर्ट हमारा ईयर वाइज आ रहा है, इसी को ड्रिल थ्रू कहते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक क्वार्टर, ये आपका मंथ, ये आपका डे। अब यहां पे इस पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि डाउन के समय, मैं अप पे क्लिक किया अप हो जाएगा। तो ये ड्रिल थ्रू के बारे में भी हम आपको आगे क्लासेस में विस्तार से बताएंगे, बट अभी आप जान लीजिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका एक आपका फॉर्मेट होता है, और दूसरा आपका ये आपका वैल्यू होता है, और दूसरा यहां पे हमारा होता है इसमें सर्च, मतलब ये फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट में आपका आपकी जनरल हो गया, जैसे पोजीशंस क्या है एक्स वाई जेड का, विड्थ कितने, हाइट कितने हैं। उसके बाद यहां पे स्टाइल होता है कि स्टाइल डिफॉल्ट है या मिनिमम स्टाइल चाहिए। तो यहां से आप अपने रिपोर्ट्स की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज होता है आपके विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ फील्ड को शो करेगी अलग अलग विजुलाइजेशन के, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल आपको दिखेंगे। ऐसे आता है ग्रिड कि मुझे ग्रिड वर्टिकल ग्रिड, हॉरिजॉन्टल ग्रिड रखना है या नहीं रखना है, रखना है तो किस कलर का रखना है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे आपका वर्टिकल ग्रुप रखना है तो किस कलर का रखना है, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ आता था कॉलम का हेडिंग, जो कॉलम का हेडिंग है उसका फॉन्ट कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अब यहाँ से इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि मैंने बोला कि ब्लू कलर होगा और व्हाइट के जगह पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरा आता है आउटलाइन, आउटलाइन का है बॉटम ओनली है, तो यहाँ भी चेंज कर सकते टॉप ओनली होना चाहिए, जो ये आउटलाइन दिख रहा है ना इसको आउटलाइन बोलते हैं, लेफ्ट राइट यहां पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहां पे फॉन्ट किस कौन सा फॉन्ट है, ये फॉन्ट यहां पे है, और यहां पे आप फॉन्ट के साइज को देख सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट इसमें सर? हेलो, तो यहां से फॉर्मेटिंग आप, यहां से फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट की साइज आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किताबें बोला था कि आप अपने हिसाब से फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो कि कितना बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट सर, एक मैसेज। तो यहां पे हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे ना, तो फॉर्मेट में यहां आप अपने फॉन्ट की हम बात कर रहे थे, हमने ग्रीड स्टाइल कॉलम इंटर वैल्यूज, ग्रीड पे हमने, ग्रीड के बाद हम बात आ गए थे कॉलम इंटर, कॉलम इंटर भी हमने कर लिया था, वैल्यूज पे हमने किया था, वैल्यूज के क्या क्या कलर होने चाहिए, जो वैल्यूज के कलर है वो क्या होना चाहिए, वो फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये चीजें आप यहाँ से, फॉन्ट क्या होना चाहिए और फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, कंडीशन यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल, कि टोटल चाहिए या नहीं चाहिए, अगर टोटल चाहिए तो नीचे टोटल लिखाना चाहिए या फिर यहाँ पे कुछ और चाहिए दिखाना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे लिखाना चाहिए ग्राम टोटल, तो मैं यहाँ पे ग्राम टोटल लिख दूंगा, तो यहाँ पे ग्राम टोटल आ जाएगा। और उसकी फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, या टॉप आउटलाइन टॉप में एक मिनट होना चाहिए। फिर यहाँ पे फील्ड की फॉर्मेटिंग आता है कि फील्ड कौन सा है, प्रोडक्ट है, उसका फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, या फिर अलाइनमेंट ऑटो होना चाहिए, आउट ऑफ अप्लाई हेडर, ये भी ये चीज यहाँ पे दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेटिंग हो जाए, प्रोडक्ट पे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आपको देना पड़ता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है उस तरह से। टाइटल, टाइटल देना है या नहीं देना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, लॉक अनलॉक, तो एक बार आप बॉर्डर टॉप टू टिल, तो ये चीजें एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है सर, हेलो। फिर एनालिटिक्स में आता है, पर एनालिटिक्स में अलग अलग चीजें जगह पे अलग तरीके से आता है, वो एक जैसा नहीं आता है। जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे आगे कंसिस्ट लाइन, कंसिस्ट लाइन में आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कंसिस्ट लाइन कैसा होना चाहिए और किस वैल्यू पे होना चाहिए। तो हमने मान लीजिए इस पे हमने दे दिया मान लीजिए 50, और कलर ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, मुझे क्योंकि ब्लू ऑलरेडी है तो मैं ब्लैक चाहता हूँ। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लाइन आ गई, मैं यहाँ पे 50,000 कर दूँ, नहीं सब में लिखना है। डब्ल्यू वाला में 2 को थी, ये दो एल है बेटा, बिल, आई बिल, डब्ल्यू आई डबल एल। हाँ मतलब कि एक यहाँ से कंसिस्टेंस लाइन दे सकते हैं ताकि पता चले कि हाँ इससे आपका मेल ज्यादा है, तो ये ला सकते हैं। लेकिन ये चीजें जो होती है वो हर विजुलाइजेशन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ क्लियर है? तो एक बार आप अपनी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है सर, डेटा है आपके पास, मैं प्रोवाइड करूं? ठीक है, मैं यही डेटा, जो डेटा मैं यूज कर रहा हूँ यही डेटा आपको मेल कर देता हूँ। दोनों आदमी को मेल कर दूँ या है? हाँ, तो अभी मैंने आपको अभी जो कैलकुलेशन सिखाई वो कैलकुलेशन सिखाई आपको टेबल के ऊपर, मैंने आपको क्या सिखाया, टेबल के ऊपर सिखाया ना सर।
टेबल एंड मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर धीरे धीरे सारे विजुलाइजेशन कवर करूंगा मैं अभी। जैसे कि टेबल और ये जो चीज है ना, दो चीजें मेन मतलब कि मेनली आ जाती है, तो इसके पहले आपको सिखा दिया, उसके बाद विजुलाइजेशन पे सिखाऊंगा, क्योंकि ये पिवट टेबल जैसा लगता है ना सर, इसलिए क्योंकि आप लोग एक्सेल जानते हैं तो पिवट टेबल से सिमिलर है, इसलिए मैं ये चीज बताया पहले आपको, ठीक है। कल फिर मैं आपको सारे विजुलाइजेशन वन बाय वन मैं टिकर करूंगा, लेकिन पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, पहले रिपोर्ट बनाने के एलिजिबल तो हो जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको रिलेशनशिप समझाएंगे, दो डेटा हो, तीन डेटा हो, उससे ज्यादा डेटा हो, कैसे विजुलाइज करेंगे ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, मैं फाइल आपको भेज देता हूँ।